नमस्कार, मेरा नाम जगत रावत है। हेलो, मेरा नाम सेजल शाह है। हाय, दिस इज धर्मेश व्यास और आप मुझे देख रहे हैं बजूका। और आप मुझे देख रहे हैं बजूका। एंड थैंक यू बजूका, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया इंटरव्यू में। थैंक यू। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है, यूनिक है, और तो जब व्यक्तिगत रूप से मुझे जब अप्रोच किया गया इस शो के लिए और ब्रीफ मिला मुझे कैरेक्टर का, तो डेफिनेटली सोनी के साथ एसोसिएशन भी है पहले से, सोनी के पहले शोज भी कर चुके हैं काफ़ी, तो यस डेफिनेटली मैंने तो पहली नज़र में हाँ ही कहा कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहूँगा, बहुत यूनिक शो है। जैसे जगत जी ने बोला वैसे मैं भी कहूँगी कि सोनी के साथ मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। जब डेली का एरा नहीं था तब से मैंने ये सोनी चैनल के साथ काम किया है। जेडी, राजेश जोशी, संजय उपाध्याय जो हमारे डायरेक्टर हैं और राजेश जोशी जो हमारे स्क्रीन प्ले राइटर हैं और पुर्नेंद्र शिखावत जो हमारे राइटर हैं, इन लोगों की टीम जब मैंने सुनी कि ये सीरियल कर रहे हैं तो वन गो में विदाउट अ सेकंड थॉट यू नो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि क्रिएटिवली जब टीम इतनी स्ट्रांग हो ना, कंटेंट में ही बहुत सारा कुछ आता है। एंड नॉट जस्ट दैट, फिलहाल जिस तरह से सीरियल्स बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा हमारे डायरेक्टर बहुत मेहनत करवाते हैं हर आर्टिस्ट पे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे लगता है कि सच में देर इज़ सम ग्रोथ विच हैड स्टॉप्ड, यू नो इज़ स्टिल ग्रोइंग। एज एन एक्टर इट इज़ इनफाइनाइट, क्रिएटिविटी इज़ इनफाइनाइट, यू नो देर इज़ नथिंग लाइक यू नो कि अभी मैं सीख लिया, मैंने कर लिया, ऐसी बात नहीं होती है। तो खैर ये पॉइंट था मेरा। देखिए व्यक्तिगत रूप से फॉर्चुनेटली हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ और आज और हम चाहेंगे कि किसी के साथ हो भी ना, लेकिन ये है कि भाई आजकल समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल्स में बहुत कुछ सुनने को मिलता है ना, मतलब हर जगह आप कहीं पे भी नेट उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इतना बुरा हो गया, बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो गई इसलिए दहेज के लिए, या कोई जल गई या जला दी गई, तो बहुत ही गलत एक ट्रेंड है जो कि बंद हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारा शो शायद उस दिशा में है ना, मैं सिर्फ दहेज की बात नहीं है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं समाज में जो हम लोगों ने खुद ही बना ली हैं, है ना, खुद ही डेवलप कर ली है ना, और उसको जो है हमने मान्यता भी दे दी है कि नहीं नहीं ये तो रीत है साहब, रीत है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो होपफुली हमारे शो के बाद कुछ भी दो चार लोग भी अगर चेंज हुए तो हमारी जीत ही होगी। Absolutely. I totally agree to what Jagat ji has said. And I also personally, in my personal life, I have not seen anything ki jahan par len den dowry ki hoti ho. To main is cheez se relate nahi kar pati hu jab aisi baatein sunte hain to. To kahin na kahin mujhe bahut aisa lagta hai ki you know it's a torture. I mean it's a lot of pressure to the parents. कि माँ बाप पे ये प्रेशर बहुत आता है और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती है, आगे भी चलती है, क्योंकि जहाँ आप एक बार आपने इतने दिए तो फिर आगे चल के ये व्यवहार में या रीतियों में भी आपको आगे करना पड़ेगा, तो खैर ये तो चलता ही जाएगा।
तो ये सिर्फ गरीबों में है और पैसे वालों में नहीं है, वैसे भी नहीं है, बहुत सारे पैसे वाले फैमिलीज़ हैं जो अभी भी, और वो कास्ट भी बहुत सारी हैं जो ऐसी बात को मानते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि भाई ये शो देखकर लोग समझ पाए कि ये नहीं होना चाहिए। अगर जो आपने उदाहरण दिया उस मामले में अगर मैं बोलूं तो मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है। तो क्या है, डेस्टिनेशन वेडिंग जो पहले नहीं था, फिर वो थीम्स वाली चीज़ें जो मैरिज में होती है, ओकेजन ज़्यादा हो गए हैं, इवेंट्स ज़्यादा होने लगे हैं, अब तो इवेंट मैनेजर बुलाया जाता है, बाकायदा हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यू नो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहीं कहीं ना ये सारी चीज़ों के लिए बहुत लड़की वालों को पैसा खर्च करना पड़ता है, ये जो पहले नहीं था। पहले तो क्या था, शायद ये अगर डाउरी होती भी होगी ना तो इतने पैसे दे दिए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अभी तो वो नहीं है ना, फिर लड़के वाले का होता है, नहीं हमको तो डेस्टिनेशन वेडिंग उधर करनी है, हमको तो यही ये चाहिए, अभी कॉकटेल डिनर रखो, संगीत रखो, मेहंदी रखो, सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो शायद मुझे लगता है इट टू ब्लेम इवन द एक्सपोजर, द वे थिंग्स हैव सिस्टम पूरी बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, ये बेसिकली क्या है ना, ये जो ये एक्चुअली समाज में जो ये शुरू होता है ना, ये होता है शो ऑफ से शुरू। जहाँ आप शो ऑफ करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, बगल में एक ने कहा मैंने 5 किया, उसने कहा मैंने 10 किया, फिर अब मैं कह रहा हूँ चलो कोई फैमिली दहेज नहीं भी ले रही, उसने कहा मैं दहेज नहीं चाहिए साहब, लेकिन शादी हमारी इटली में हो जानी चाहिए, है ना। तो ये भी एक गलत बात है ना, या भाई पूरा हमारा वो होगा, क्या कहते हैं आपको, जो क्या कहते हैं उसको, जो प्री मैरिज क्या बोलते हैं उसको, क्या मैं तो भूल गया उसको, प्री वेडिंग, हाँ। अब उसके अब सोचिए, मतलब वो गोवा में जाके कर रहे हैं, तो वो भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो ये तो चीज़ें जो हैं, और बेसिकली उसका कारण यही है कि मतलब आदमी को बेसिकली शो ऑफ बहुत करना है समाज में, ये मेरे मुझे ऐसा लगता है ये मेन रीज़न है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, हाँ नहीं, हम यही कहना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप, एक अच्छा कंटेंट आया है, आप ज़रूर देखिए 19 तारीख से 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे, कुछ रीत जगत की है ऐसी है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है ना, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। यस, ज़रूर देखिए, यही मेरा मैसेज होगा मेरे फैंस और ऑडियंस के लिए, कुछ रीत जगत की ऐसी है जो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे आ रही है 19 फरवरी तारीख को 8:30 बजे रात को, मंडे टू फ्राइडे। प्लीज़ ये सीरियल देखिए, भले लगता है कि भाई डाउरी पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो बहुत अलग भी है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एज अ धर्मेश व्यास मैं अगेंस्ट हूँ दहेज के, बहुत अगेंस्ट। और ये दहेज वर्ड ही है ना, उस फोनेटिकली बहुत ही हार्श वर्ड है। उसका नाम आज के ज़माने में हो गया है कि ये तो रिवाज है, व्यवहार है, ये करना ही पड़ेगा। ये जब मुझे ऑफर हुआ तो सबसे पहले तो मैंने आई नो JD सिंस 36 ईयर्स, पर हमने काम नहीं किया था साथ में। तो उसने मुझे बोला कि धर्मा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ रहा है, तो मैंने बोला JD अगर रोल अच्छा होगा तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट। बिकॉज मैंने 6 साल का गैप लिया था इंडस्ट्री से, सीरियल इंडस्ट्री से, बिकॉज जितने भी सीरियल बनने लगे वो फीमेल ओरिएंटेड सीरियल थे, तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने अपने आप को स्विच कर दिया था फिल्मों में। फिर JD ने बुलाया मुझे, मैं लंदन से शूटिंग करके वापस आया तो मैं मिला, तो बोले बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैं बोला कौन सुनाएगा, तो बोले पूर्णेंदु। अब पूर्णेंदु इज अ प्रूवन राइटर एंड आई नो हिम सिंस सो मेनी ईयर्स। मैंने बोला इंटरेस्टिंग, तो बोले उसके साथ राजू भी आ रहा है। तो मैंने कौन राजू, तो मुझे बोला कि राजू जोशी, और राजू जोशी के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ। तो मैंने सोच लिया कि ये कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ही ये आ रहे हैं। फिर मुझे कैरेक्टर सुनाया उन्होंने, और सुनते ही मैंने बोला JD आई डू इट। JD ने बोला ओके फाइन। दूसरे दिन सुबह वापस फ़ोन आया कि धर्मेश आना मिलने, तो मैं मिलने गया। बोले एक और बात है, मतलब क्या, बोले तुझे ये लुक बनाना है जो अभी मेरा लुक है वो। तो मैंने JD को बोला कि JD मुझे इस लुक में किसी ने देखा ही नहीं है, ये 36 साल में लोग पहचानेंगे नहीं कि ये धर्मेश व्यास वही एक्टर है। बोले यही लुक चाहिए मुझे, ये कैरेक्टर का ये लुक है। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो बोले तुझे कितना टाइम लगेगा ये गेटअप में आने के लिए। मैंने बोला लाइफ में पहली बार ग्रो कर रहा हूँ बियर्ड, मुझे पता नहीं है ग्रोथ क्या है। बोले टेक योर टाइम। तो मैंने उसको बोला कि भाई टेक योर टाइम मतलब तेरा ऑन एयर डेट क्या है। बोले मैं पोस्टपोन कर दूंगा, पर मुझे यही लुक चाहिए। ख़त्म हुआ, सब बैठे थे। तो मैंने राजू जोशी और पूर्णेंदु और JD को पूछा, किसी मैंने लाइफ में ऐसा रोल नहीं किया है, मैंने हर तरीके के रोल किए हैं, पर ये जॉनर मेरे लिए बहुत नया है और पहली बार कर रहा हूँ, एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी रोल। तो JD ने मुझे बोला कि धर्मेश ये तू ही कर पाएगा, चैनल में हमने तेरे अलावा और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। फिर वर्कशॉप शुरू हुए और मुझे इतना मज़ा आने लगा कि हाँ, इनिशियली मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि ये कैरेक्टर में आने के लिए, बट अभी वो बोलते हैं ना कि मुझे आ गया ये कैसे करना है। नहीं, वो एक बताऊं, ये है ना एक सिस्टम में आ गया है जिसको दहेज नहीं बोलते यार, ये तो करना पड़ेगा, ये रिवाज है। एक बहुत अच्छी बात हुई अभी, मैं JD को मिला अंदर, तो आई नो हिम सिंस सो मेनी ईयर्स, उसको और उसकी वाइफ नीपा को, और उसके बच्चे बड़े हो गए अभी, दोनों बेटियां। तो JD मुझे बोल रहा था कि यार धर्मा, यार बच्चे बड़े हो गए, और बोले तू नहीं मानेगा, अभी एक चीज़ मैंने देखी ऑनलाइन, तो मैंने नीपा को बोला कि यार ये बेटी के लिए ले लेते हैं, यार आगे जाके देना पड़ेगा ना। देन ही रियलाइज कि यार मैं भी इस उसमें जॉनर में आ गया हूँ मैं, कि यार देना पड़ेगा। बोले ये हमारे आसपास इतना होने लगा है कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार इसका बर्थडे आ रहा है, यार ये देते, ये व्यवहार है, देना नहीं, दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। बट एज अ धर्मेश व्यास, बट एज अ हेमराज, भाई ये तो चलता आया है, ये रिवाज है, ये तो करना ही पड़ेगा। या ये हमारा सीरियल उसी पे बेस्ड है, ये जो कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आ रहा है 19th को 8:30 बजे, हमारा सब्जेक्ट ही यही है। और एक बात बताऊँ, इतनी खूबसूरती से लिखा है कि मैं खुद अपने आप को रिलेट करता हूँ कि हाँ यार ये अब भी उधर हुआ था,
हाँ यार मेरे साथ हुआ था ये, तो इतना ब्यूटीफुली लिखा है, और हमारा सबके ऊपर एक मैजिशियन है जिसका नाम है संजय उपाध्याय, वो जो सीन कंसीव करते हैं, तो मेरे जैसे एक्सपीरियंस एक्टर भी ये सोचता है कि ओह ये ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ, ये ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी इससे देखकर, और ये जो सवाल पूछा गया है कि दहेज की प्रथा गलत है, वो गलत ही है जो इसमें दिखाया है, और बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाया है, एंड इट्स अमेजिंग। सो प्लीज़ देखना ना भूलना, वरना अफसोस रहेगा कि एक अच्छा सीरियल मिस कर दिया आप लोगों ने। अब मैंने पढ़ा है, मैंने देखा तो नहीं है, बिकॉज क्या है मैं खुद अगेंस्ट हूँ बहुत। तो मैं मेरी फैमिली की बात करूँ कि जैसे मेरे इन-लॉज है वो उस ज़माने के हैं, तो घर में अगर कोई भी शादी होती है, प्रसंग होता है, तो ये खरीद लेते हैं, ये देना पड़ेगा, रिवाज है। तो आई लॉस्ट इट, क्या हेलो क्या रिवाज क्या। मेरी बीवी जैसे मुझे बोलती है कि पापा का बर्थडे आता है, उन्होंने व्यवहार किया था, मैं आई हेट इट। क्या व्यवहार क्या, हाँ दिल से मन किया दो वो बात अलग है, पर वो जो अभी भी एक मैंने बहुत अच्छा इंस्टा पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई हमारी बेटी की शादी है, हम 1.5 करोड़ की शादी दे रही है उसको, शादी का गिफ्ट, फिर कोई 21 लाख अनाउंस कर रहा है, कोई 25 लाख अनाउंस कर रहा है, एक्चुअली ये दहेज ही है, उसका नाम चेंज हो गया है कि भाई हम दे रहे हैं खुशी से। नो दैट्स रॉन्ग, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये, और ये रिवाज है, गलत है, मैं तो बोलता हूँ एज अ धर्मेश व्यास, बट एज अ हेमराज ये चलता आया है, करना ही पड़ेगा। बस यही, ये सीरियल देखिए, कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 19 तारीख से रात को 8:30 बजे, और बहुत मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आएगा तो मेरा इंस्टा आईडी धर्मेश 64 है, आपको जो कमेंट करना है कर सकते हैं आप। थैंक यू।